ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, ये देखें भाई क्या अखरोट खेल रहा है। भाई साहब ये दिन भी थे कि अखरोट भी खेलते थे और अब भी खेलता है ये हमारा बच्चा। अरे मेरी आखिरी मेरी निशाना ना लगा था। ए मेरा एनु दूर होके देखा हम देख। हाँ चलो जी अली भाई रेडी लेके जा रहे हैं, सही चढ़ जाते हैं भाई। हाय 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 खड़ी कर दी है और हलीमा रेत में खेल रही है। इधर आओ, चलो कहो अस्सलाम वालेकुम। कहो नहीं भाई अभी ये मूड में नहीं है। तो अभी भाई साहब हम नए घर पर पहुंच आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ईंटें आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आई पड़ी हैं और आज है जुमा, वजह से मिस्त्रियों की चीज छुट्टी, तो इनशाला कल से दोबारा मिस्त्री आ जाएंगे। और अब हमने मिस्त्रियों की तादाद भी बढ़ा दी है, 3 से 4 मिस्त्री आते हैं और 5-6 मजदूर आते हैं और काम जो है ना वो जल्दी से जल्दी हो जाए। आपको बताऊं कि काम जो है ना वो डबल हो गया है। एक तो ईंटों पर पानी का छिड़काव होता है, उसके बाद जो अभी भाई साहब घर आपको नजर आ रहा है ये दीवारें छोटी छोटी, इन पर भी डेली बेस पे पानी का छिड़काव होता है। 2 सोलर प्लेटें लेकर आए हैं क्योंकि आपको पता है इधर बिजली वगैरह जो है ना वो बिजली का सीन नहीं है कुछ भी। 1 सोलर प्लेट पुरानी थी और दूसरी नई, दोनों लेकर आए हैं। और बैटरी जो है ना वो 11 प्लेट जो हमने अगले दिन शहर से नई ली थी वो वाली लेकर आए हैं। ये 11 प्लेट ही है ना यार, कसम से इससे जो भी बात पूछता हूँ ना आगे से कुछ नहीं बताता, वैसे ही बस ना स्ट्रक होके खड़ा हो जाता है। और इधर देखें ये बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, ये देखें भाई क्या अखरोट खेल रहा है। तेरे ताना तेरा ताना वाह तेरा ताना। भाई साहब ये दिन भी थे कि अखरोट भी खेलते थे और अब भी खेलता है ये हमारा बच्चा। सब इधर बनाए, इधर रुको ना मैं बताता हूँ। इधर भाई पिल बनाए, चलो ये पिल बनाओ बच्चो। वे वे दोई दोई हथी पैंदा, ओ एक बनाओ। हाँ चलो एक भी नहीं पहले चेक। चलो भाई रुको रुको, मैं बताऊंगा तुमने निशाना लगाना है इसको। चलो भाई लगाओ। वो क्या हो गया, क्लास हो गया, वो दोनों को लगा सड़ गए हैं भाई। चलो जी ए साडा फैन मारन लगा निशाना, मैं तेन दसदा एनु मार। सिक्या हूं निशाना लाएगा फैन, चल सीटे ए बिचली नु ला शुगल मेले के लिए हम तो वैसे ही लग पड़े थे वरना हम खेल खेलते नहीं है। फिर से आपको बताऊं कि भाई आंधी आ रही है, मौसम काफी ज्यादा खराब हो रहा है, तो अभी जल्दी जल्दी शाम का टाइम है, अभी जल्दी जल्दी पंप भी खोल देते हैं और प्लेटें भी उठा देते हैं। रेडी हमारी आई हुई है और बैटरी वगैरह उठा कर पैप इकट्ठा करके ले जाते हैं घर, इससे पहले कि भाई हम आंधी की लपेट में आ जाए। कीन माने कितनी ठंडी हवा आ रही है, मुझे लगता है पीछे कहीं बारिश हुई है और ये मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला कर रहा जी। ऐसा आदमी है ना, यकीन माने इससे कोई भी बात पूछता हूँ स्ट्रक। दोनों प्लेटें आ गई हैं, पाइप आ गया है, बैटरी आ गई है और पंप आ गया है और बच्चा पार्टी जो है ना वो पीछे बैठ रही है। अली भाई चलाएंगे मोटरसाइकिल और मैं भी इनको पकड़ के बैठूंगा ताकि गिर ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। अभी मैं आपको ना घर का थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ। आंधी जो है ना वो थम गई है तो हवा ठंडी ठंडी चल रही है। पहले तो मैं डर गया था, मैंने कहा शायद आंधी आई, जल्दी जल्दी सामान हमने सारा शिफ्ट किया रेडी पर और हम जाने लगे थे घर। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि भाई आंधी जो है ना वो रुक गई है, तो अभी मैं आपको ना विजिट करवाता हूँ। यदि दीवारें आप देख सकते हैं भाई 4 से 5 फुट की ना सारी खड़ी कर दी है इधर से, अभी आगे से रहती हैं फ्रंट पे और अभी इसका काफी सारा इधर से ना रहता है प्रोसीजर। ये दीवार है 9 की है मुझे लगता है, एक होती है 13 की एक होती है 9 की, ये 9 की है दीवार, 9 की दीवार खड़ी कर दी है और दरमियान में ये जो जगह छोड़ी हुई है ना ये दरवाजे वगैरह है विंडोज होगी, तो इनकी भाई चुगाठे जो है ना वो तैयार हुई पड़ी है, उनका भी इंशाल्लाह व्लॉग आ जाएगा। तो इस वजह से भाई साहब ये दरमियान में जगह है कि चुगाठे वगैरह लगेंगे दरवाजों के लिए। मजे की बात बताऊं, दरमियान में से रास्ता छोड़ दिया है पीछे को और इधर भाई साहब आपको बता दूं कि सामान पड़ा है मिस्त्रियों वगैरह का, चारपाई है, जानमाज पड़ा है, तो बाकी उनका थोड़ा बहुत सामान पड़ा है वगैरह जो है वो हमने घर रखा हुआ है। इधर तो फिर अभी कोई जरूरत नहीं थी सोने की, इस वजह से हमने कहा भाई सोना क्यों है अभी इधर, तो इस वजह से सीमेंट वगैरह घर रखा हुआ है। बाकी अभी जैसे जैसे साथ साथ प्रोसीजर चलता जाएगा आपको अपडेट्स मैं देता रहूंगा। हवा इतनी ठंडी चल रही है कि भाई साहब मैं और अपडेट नहीं दे सकता, तो अभी चलते हैं घर। तो अली भाई मोटरसाइकिल काफी आगे ले गए हैं। सब बच्चा पार्टी देखे पहले ही बैठी हुई है। ओए 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 चलो भाई चलो, ओए आराम ना आराम ना आराम ना, चले भाई। तो अभी भाई रेडी के भी अपने ही मजे हैं। हाय 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 हाय,
अभी भाई साहब घर पहुंचते हैं सीधा और सामान जो है वो घर शिफ्ट कर लेते हैं। अभी भाई शाम का टाइम हो गया, प्लेटें वगैरह जो है ना हमारी बंद हो गई हैं, तो अभी इनमें कील लगाने हैं, इनके स्टैंड को सीधा करना है। देखिए गाइस इसमें भी दो कील लगा दिए हैं इसके अंदर, ताकि अल्लाह ना करे आंधी आए और हवा ज्यादा तेज हो तो इनको खतरा ना हो, प्लेटें टूटे नहीं, इस वजह से इसका ये मजबूती का काम है। तो दोनों स्टैंड सीधे हो गए, अभी चलते हैं घर। ये गाइस आगे से रास्ता सारा खराब है, अपना एक 125 और नया मोटरसाइकिल खड़ा है, क्योंकि गंदे ना हो जाए इस वजह से यहाँ से गुजारे नहीं थे, तो अभी रास्ता जो है ना वो सीधा कर लेते हैं। इन भाई लोगों ने पानी गुजारा हुआ है और पुली भी इधर नहीं रखी हुई, ठीक है ना, तो अभी इसको रास्ते को सीधा कर लेते हैं। चुप कर यार, पीछे पीछे बोलन लग जाते यार, एवं भाई डिस्टर्ब कर देने लोग बनाते हैं, जल्दी जल्दी हूँ मैं तुम्हारा रास्ता सीधा करके दिखाऊंगा एक मिनट के। चले जी फाइनली हमारी रेडी भी गुजर गई थी और इधर से मैंने खुश्क मट्टी ऊपर डाल दी है, ताकि मोटरसाइकिल के जो चक्के वगैरह ना वो गंदे ना हो। तो अभी इसमें से यार एक में चाबी थी, हाँ 125 में चाबी है, इसको भी ले चलते हैं और दूसरे की चाबी उठा लेंगे और फिर उसको भी ले चलेंगे। जी 125 वाली भाई को दे दिया, वो लेकर जा रहे हैं, और ये है भाई होंडे दूसरे की 24 मॉडल की चाबी, जो कि अभी उधर खड़ा है सामने। मोटरसाइकिल भी मैंने घर खड़ा कर दिया है, तो यहीं पे आज के व्लॉग का करता हूँ एंड। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और छोटा सा कर दें कमेंट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।